मैं आप लोगों युवाओं को बता रहा हूँ, साहब काशीराम जब 28-29 साल के थे तो दीना भाना वाल्मीकि थे, ठीक है, वो अपने ऑफिस के बाहर हड़ताल में बैठे थे, सफाई कर्मचारी थे, तो ये काशीराम साहब उसमें नौकरी करते, साइंटिस्ट थे। किसी ने कहा कि यार तेरे समाज के लोग जो है ना उस पर बैठे हुए हड़ताल, उनको समझा यार काम करेंगे, तो साहब काशीराम जब समझाने गए तो साहब काशीराम से कहने लगे भाई किस लिए बैठे हो तुम, कहते जी बाबा साहब के जन्मदिन की छुट्टी चाहिए, कहते यार मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया मैं साइंटिस्ट बन गया है, इसमें बाबा साहब का क्या देना है, तो बाबा साहब की जीवनी दी काशीराम साहब को कि आप ये पढ़ो और जो आप निर्णय लोगे हम आपके साथ हैं। तो साहब काशीराम इस्तीफा देकर के उनके साथ बैठ गए थे और 2 महीने बाद उनकी शादी थी। उन्होंने अपनी माँ को फोन किया कि माँ मैं आज के बाद घर नहीं आऊंगा वापस, ये पहली प्रतिज्ञा थी काशीराम साहब की। दूसरी प्रतिज्ञा आजीवन शादी नहीं करूंगा, ठीक है। तीसरी प्रतिज्ञा कि मैं कभी धन अर्जित नहीं करूंगा। चौथी प्रतिज्ञा किसी के मरने के उपलक्ष में नहीं जाऊंगा। पांचवी प्रतिज्ञा किसी के शादी के उपलक्ष में नहीं जाऊंगा। ये 4-5 चीजें ना कभी किसी के काम नहीं आती, बताओ आती हो तो बताओ। तुम किसी के ब्याह में ना चाहो कभी उसकी छोरी की बूथ हर रोटी पूर्ण आओगी है, जो आदमी मर गया वो चला गया, ठीक है। और कोई कहावत भी, भूत सपूत तो क्यों धन संचय, भूत कपूत तो क्यों धन संचय, औलाद खराब आगी तो क्या करोगे उसका, है ना। और किसी की घरवाली ठीक हो तो ठीक है, नहीं तो डर के जीता आदमी, ये सच्चाई है ना। और आप देख लो घर किसके काम आया, एक दिन जो ना जो माँ बाप पैदा करता है वो वृद्ध आश्रम में चले जाते हैं, है ना। तो ये समाज ऐसी चीज है, अगर आप लोग समाज के लिए काम करोगे तो आपकी जयंतियां मनेंगे। आज काशीराम को ऐसे नहीं याद कर रहे हम लोग।